Hello viewers, we are again here with on the topic of diabetes. I have Dr. Yuvraj Arora with me to talk more on the subject, and today we'll be talking about the role of exercise in diabetes. Welcome Dr. Yuvraj Arora. There are studies which show that as less as 39% only people get into exercises, even if they know that exercises are very beneficial in diabetes. But why they do not follow the regime, exercise regime, or are there any easy exercises to do to control diabetes? And in short, what is the role of exercise in diabetes? Okay. Thank you so much, Mr. Prashant. As you know, diabetes, we have already discussed, is a mismanagement of your metabolism, which sugar levels are high and your proteins are being lost and fat accumulation is there and imbalance of fat and metabolism. So it is, as I said, how to manage diabetes was very simple. Realization. First, people should know what is diabetes. If they don't know it and they don't want to get rid of it, that is the issue. If they want to get rid of it, everybody knows. Diet and exercise both has a very important role. Apart from the medication and doctors which need to go. We will talk about diet in another program as we discussed. Yes. We will talk about exercise today. What do you mean by exercise? Exercise means व्यायाम करना, रूटीन. एक तो रूटीन में हम काम करते हैं घर के, ऑफिस जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, उसमें हम 500 हम कुछ कैलोरीज बर्न कर लेते हैं. बट एक्सरसाइज का मतलब है कुछ एक डेडिकेटेड टाइम, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, 1 आवर, जो हमारी एनर्जी और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करें. वो बर्न करने से, एक्सरसाइज करने से, जब आपकी मसल मूवमेंट होती है तो उसमें आपका ग्लूकोज यूज होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है. तो जब तक ये इंफॉर्मेशन पेशेंट को नहीं जाएगी तो वो नहीं करेगा. तो डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज का उतना ही महत्व है जितना डाइट और मेडिसिन का. तो आपके हिसाब से कौन सी कुछ इजी एक्सरसाइजेस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे डायबिटिक पेशेंट? ईजी एक्सरसाइज बहुत है, 3-4-5 नाम लीजिए. वॉक, चलना चाहिए. लोग को डायबिटीज होती क्यों, चलते नहीं है, चलेंगे तो ठीक हो जाएगा. चलने का मतलब ये नहीं है कि मैं नीचे तक कार तक चल गया, मेट्रो तक चले, ऊपर स्टेप्स में चले, नीचे उतरे, एटलीस्ट 6 किलोमीटर का वॉक पर डे, वो 1 घंटे के बराबर है. काफ़ी जगह पे लिखा है. वैसे तो ब्रिस्क वॉक, एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हार्ट रेट बढ़े, हार्ट की एफिशिएंसी बढ़े. तो ब्रिस्क वॉक इज वन, नंबर वन. डेटा विल शो, मेनी आर्टिकल्स विल शो, डॉक्टर्स विल स्पीक विच आर वेरी अथॉरिटी ऑन दीज थिंग्स, 30-40 मिनट्स 3-4 times अ वीक, दैट इज 150 मिनट्स अ वीक. आई डिफर समटाइम्स, आस्क पीपल टू वॉक एवरी डे 40 मिनट्स अ डे और 1 आवर डे, तब जाके उसकी एवरेज औसत 40 मिनट निकलेगी. तो वन ऑप्शन इज एक्सरसाइज, वॉक. नंबर टू, साइकिलिंग, सेम थिंग, एटलीस्ट 30 मिनट साइकिलिंग या 40 मिनट साइकिलिंग पर डे. अगर थोड़े से आपकी प्रिविलेजेस ज्यादा है तो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड वन इज स्विमिंग. स्विमिंग इंडिया में अभी भी इतनी पॉपुलर नहीं है, बट और ना ही, इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट सिंपल. हमारे जो डिफरेंट टेम्परेचर हैं डिफरेंट एरियाज में, और कई बार ये कॉस्टली भी होता है, तो स्विमिंग इज अनदर ऑप्शन. देन वी हैव एक जो भारत में भी चल रहा है और हमारे अपने भारत का है, और मिस्टर मोदी ने भी बहुत इसके ऊपर बोला है, योगा. आज के दिन, आज मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, ये है 16 जून 2017 और प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल योगा दिवस, 3rd साल उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है. मैं वहाँ पर गया था, तो योगा से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, और पूरे एंड वर्ल्ड उसको लूट्स कर रहा है. योगा से आपकी मसल फैट लॉस होता है, मसल टोन बढ़ती है, इंसुलिन अपटेक बढ़ती है. तो योगा एक अदर ऑल्टरनेटिव वी हैव. देन समथिंग कॉल्ड ताई चाई इन चाइना, स्लो मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, वो भी आधा घंटा किया जा सकता है. आप यूट्यूब करके देख सकते हैं ताई चाई क्या होता है. तो 40 मिनट्स, तो मैं तो बोलूँगा कोई भी एक्सरसाइज 40-60 मिनट अडॉप्ट कर सकते हैं. आधा घंटा ब्रिस्क वॉक, आधा घंटा योगा, आधा घंटा स्विमिंग, आधा घंटा योगा, तो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं. वेट एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड हैं डायबिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट.
उसके लिए चाहे आप हफ्ते में दो बारी भी कर लीजिए, क्योंकि जो एनर्जी यूज करनी है, ग्लूकोज यूज करना है, वो मसल नहीं करना है। मसल स्ट्रांग नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे ज्यादा, आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। तो वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस और कोर एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी, कोर एक्सरसाइज होती है जो हमारे जैसे स्क्वाट होता है, सिटअप होते हैं, पुशअप होते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट। वेट ट्रेनिंग 15 मिनट हफ्ते में दो बार। मेन एक्सरसाइज जो होती है हाइट फ्रॉम बाइसेप, चेस्ट, एब्डोमिन, लेग्स, थाई, थाइज की, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग की, बस इसको आप स्ट्रेंथन कर ले, आपकी कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जाती है, एंड योर स्टेमिना टू डू अदर एक्सरसाइज एक्टिविटीज इंक्रीज। एंड वेन यू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स 40 to 60 minutes ऑफ एनी रेगुलेटेड एक्सरसाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कंबाइंड विद 30 minutes ऑफ वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट। That's all. Any precaution a diabetic patient needs to take before taking a medicine? He can discuss with his doctor. He can carry a carbohydrate drink, या candy, या sugar, या कोई chocolate, अगर उसका blood sugar अगर नीचे हो जाए तो। Starting में exercise जो है शुरू में 10 walk करनी है 2 kilometer, exercise 10 minutes 20 minutes से शुरू करें, slowly slowly इसको बढ़ाए। That's all. So that's my message. और कौन सी exercise या कब exercise बंद कर देनी चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए? सारी जिंदगी करनी चाहिए। और कोई मसल में किस मसल स्ट्रेन हो जाए, कोई स्ट्रेन बढ़ जाए तो कंसल्ट कर लो फिजियोथेरेपिस्ट से। दैट्स इट, एक्सरसाइज इज मस्ट। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर युवराज, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड वी कंक्लूड दिस सेशन विद दिस वंडरफुल टिप फ्रॉम डॉक्टर युवराज अरोड़ा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बी हैप्पी।